अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, अल्लाह का शुक्र है। मैं भी खैरियत से हूँ, ठीक हूँ, मेरी तबीयत भी ठीक है। आप सब काफ़ी मुझे ये सवाल करते हैं कि आपकी तबीयत कैसी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि मेरी तबीयत अभी बिल्कुल ठीक है अल्लाह के करम से। और जैसा कि आप सबको पता है, आशूरे का दिन था, आज मुहर्रम था, आका हुसैन की शहादत का दिन था, तो जिसकी वजह से हमने आज का दिन सफ़र नहीं किया। आज हमने होल्ड किया था क्योंकि हमारा रोज़ा भी था, तो आज हमने जो हमारा सफ़र है वो नहीं किया, स्किप किया। तो अभी हम जो है वो भकरोटा में हैं। भकरोटा ये जो है जयपुर से पहले एक गांव है, वहाँ पर हमने स्टे किया हुआ है। और कल हमारा जो सफ़र है वो असर में शुरू होगा जयपुर के लिए। तो जयपुर इंशाल्लाह कल हम जो है जयपुर पहुँच जाएंगे। तो जयपुर के बाद जो हमारा सफ़र होगा, हमारा जो रूट है, हमने ये जयपुर दिल्ली हाईवे बाईपास वाला जो रूट है वो हमने चूज़ किया है। तो जयपुर के बाद जो है हम दिल्ली जाएंगे, और दिल्ली में हमारा थोड़ा पेपर वर्क है एम्बेसी में, वो पूरा करेंगे। उसके बाद फिर हम आगे जाएंगे हरियाणा, पंजाब, उसके बाद फिर वाघा बॉर्डर से पाकिस्तान में जाएंगे इंशाल्लाह। फिर उसके बाद ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरबिया। तो आप सब मेरे लिए दुआ करते रहिए। आप जिस तरीके से आपने दुआ की है, अभी तक जो है मैंने 3 स्टेट क्रॉस कर दी हूँ, महाराष्ट्र, फिर उसके बाद गुजरात, और अभी इंशाल्लाह राजस्थान भी बस क्रॉस हो ही गया है लगभग। फिर हम जो है दिल्ली में एंटर होंगे। तो जिस तरीके से आप सब ने सपोर्ट किया है, महाराष्ट्र वालों ने, गुजरात वालों ने, राजस्थान वालों ने, उनका तो मैं दिल से शुक्रिया करती हूँ कि आप लोगों ने इतना मेरी हिम्मत बढ़ाई। आप लोगों की वजह से मुझे हिम्मत मिली है, और आप लोगों की इतनी दुआ है, जो आप लोगों की दुआओं की वजह से आज मैं मेरा सफ़र है वो आसानी के साथ पूरा कर पा रही हूँ, मुकम्मल कर पा रही हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह से मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, अल्लाह का करम है, तबीयत भी सही है, सब सही है। तो बस आप लोग इसी तरीके से जो है मेरे लिए दुआ करते रहिए ताकि मेरा सफ़र और आसान हो जाए। और वहाँ जाने के बाद मैं आप सबके लिए दुआ करूँगी, ये मेरा आप लोगों से वादा समझ लो या प्रॉमिस करती हूँ, मैं सबके लिए दुआ करूँगी वहाँ जाने के बाद, ये तो तय है। क्योंकि आप लोगों ने इतनी मेरे लिए दुआ की है, तो मेरा भी ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं भी वहाँ जाकर आप सबके लिए दुआ करूँ। तो इंशाल्लाह आप दुआ करो कि मैं जल्द से जल्द वहाँ पहुँच जाऊँ। अस्सलाम वालेकुम।